दोस्तों, पूर्वांचल से राजधानी लखनऊ को जोड़ने वाले देश के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे के किनारे बसे सभी 9 जिलों में रोजगार की गंगा बहने वाली है। सीएम योगी इसके दोनों छोरों पर औद्योगिक गलियारा विकसित करने का प्लान कर चुके हैं। इससे लाखों नौकरियां पैदा होंगी। यह पूर्वांचल के विकास के लिए रीढ़ की हड्डी साबित होगा। इस एक्सप्रेस वे पर सुल्तानपुर जिले में 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण भी प्रस्तावित है, जिस पर आपात स्थिति में सेना के लड़ाकू विमान लैंडिंग व टेक ऑफ कर सकेंगे। इस परियोजना को कुल अनुमानित लागत 22,494.94 करोड़ रुपए है। एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य को 8 पैकेजों में बांटकर किया जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लखनऊ में लखनऊ सुल्तानपुर रोड पर स्थित गांव चांद सराय से प्रारंभ होकर यूपी बिहार सीमा से 18 किलोमीटर पूर्व राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर स्थित ग्राम हैदरिया पर समाप्त होगा। एक्सप्रेस वे की लंबाई 340.824 किलोमीटर है। इस परियोजना से जनपद लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ तथा गाजीपुर के लोग लाभान्वित होंगे। परियोजना से आच्छादित क्षेत्रों के सामाजिक व आर्थिक विकास के साथ ही वाणिज्य, पर्यटन तथा उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। जिले के मुख्य विकास अधिकारी ने जिले की सीमा में बन रहे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का स्थलीय निरीक्षण किया और इस एक्सप्रेस वे को बनाने में लगे इंजीनियरों, ठेकेदारों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा, एक्सप्रेस वे परियोजना मार्च 2021 तक बनकर पूर्ण हो जानी चाहिए। सीडीओ ने बताया कि 120 मीटर चौड़ी एक्सप्रेस वे के हर आधे किलोमीटर की दूरी पर यूपीडा द्वारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम लगाया जा रहा है, जहां पूरे एक्सप्रेस वे पर पड़ने वाले बारिश के पानी को ड्रैंक के जरिए रिचार्ज सिस्टम में गिराया जाएगा, जहां से पानी पाइप की बोरिंग के सहारे जमीन के अंदर जाकर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाएगा। लखनऊ के चांद सराय गांव से गाजीपुर के हैदरिया गांव तक 340.82 किलोमीटर लंबे इस 6 लेन एक्सप्रेस वे के दोनों किनारों पर औद्योगिक विकास की विस्तृत कार्य योजना बनाई जा रही है। राजधानी बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर जिलों में औद्योगिक हब को चिन्हित करने को अध्ययन शुरू हो गया है। अंबेडकर व मऊ जिलों की हथकरघा व लघु उद्योगों के रूप में पहचान है। इन उद्योगों के लिए भूमि अधिग्रहित की जा रही है। यहां अत्याधुनिक मशीन वाले उद्योग लगेंगे। यूं तो एक्सप्रेस वे के किनारे 411 गांव बसे हैं, लेकिन 5 किलोमीटर की परिधि वाले भी लाभान्वित होंगे। हर 40 किलोमीटर पर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा के लिए ट्रामा सेंटर, जलपान व थकान मिटाने के लिए भी विशेष केंद्र और पेट्रोल व सीएनजी पंप भी स्थापित होंगे। एक्सप्रेस वे पर जिले में जयसहपुर के गोरा में 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का भी निर्माण होगा। इस पर सेना के लड़ाकू विमान भी आपातकालीन में लैंडिंग कर सकेंगे। इस एक्सप्रेस वे के निर्माण के बाद पूर्वांचल के विकास में जो आमूलचूल परिवर्तन होगा, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए सरपट सड़क तो मिलेगी ही, साथ ही आर्थिक समृद्धि को भी रफ्तार मिलेगी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपना प्यार और सहयोग यूं ही बनाए रखें।